गुजरात हाई कोर्ट ने यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे नारायण साई की बेल की अर्जी खारिज कर दी है। कारण है बेल के लिए अपनी मां की बीमारी का झूठा बहाना। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह कि नारायण साई के वकीलों को भी बीमारी के इस झूठे दावे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये पहला मामला नहीं है जब किसी कैदी ने बेल, परोल या फर्लो के लिए झूठे कारण बताए हों। जेल से बाहर निकलने के लिए कैदी इस तरह कई झूठे कारण बताते रहते हैं। दरअसल आसाराम बापू के बेटे नारायण साई ने हाईकोर्ट में कहते हुए बेल की अर्जी दी थी कि उनकी मां लक्ष्मी देवी हरपलानी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन जब कोर्ट ने साई के इस दावे की जांच कराई तो पता चला कि ना सिर्फ नारायण साई का दावा झूठा है बल्कि उनके वकीलों को भी बीमारी के इस झूठे दावे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साई की बेल की अर्जी खारिज कर दी और उन पर झूठ बोलने के लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। अहमदाबाद मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात जेल प्रशासन के पास हर साल परोल और फर्लो की करीब 3,000 अर्जियां आती हैं। जेल से बाहर निकलने के लिए कैदी तमाम तरह के कारण बताते हैं, कई सच होते हैं तो कईयों को जानकर जेल प्रशासन भी हैरान हो जाता है। आमतौर पर कैदी जिन कारणों का जिक्र अपनी अर्जी में करते हैं उनमें परिजनों की फर्जी शादियां, उनकी बीमारी और मौत ही होते हैं। यही नहीं, अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ कैदी फर्जी शादी का कार्ड भी छपवाकर जेल में जमा करवाते हैं। अब आपको परोल और फर्लो में अंतर बताते हैं। परोल में कैदी को जेल से बाहर जाने के लिए एक संतोषजनक कारण बताना होता है। कैदी की अर्जी को मानने के लिए जेल प्रशासन बाध्य नहीं है, इसे खारिज भी कर सकता है। कैदी को एक समय विशेष के लिए जेल से रिहा करने से पहले जेल प्रशासन समाज पर कैदी से होने वाले असर को भी ध्यान में रखता है। कैदी के परिवार के निजी सदस्यों की शादी, मृत्यु या एग्जाम जैसी इमरजेंसी वाली स्थिति में भी शामिल होने के लिए परोल दी जाती है। वहीं फर्लो एक डश शब्द है। फर्लो के तहत कैदी को अपनी सामाजिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए रिहा किया जाता है। साल भर में हर कैदी को 15 दिन की फर्लो दी जाती है। इसे एक कैदी के सुधार से जोड़कर भी देखा जाता है। तकनीकी तौर पर फर्लो कैदी का मूलभूत अधिकार माना जाता है। बड़ौदा जेल के SP बलदेव सिंह वाघेला का कहना है कि कैदी परोल के लिए हर मुमकिन बहाना बनाता है। इसी तरह का एक मामला महिसागर के रहने वाले एक कैदी का है। राजकोट में एक हत्या के मामले में ही सजा काट रहा था। इस कैदी ने 2021 में जेल प्रशासन के पास 60 दिन की परोल की अर्जी भेजी। कैदी का कहना था कि उसे फसल बोने के लिए रिहा किया जाए लेकिन जेल प्रशासन ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद उसने दूसरा कारण बताते हुए कहा कि वह एक आदिवासी है और अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य है और उसके परिवार को उसकी ज़रूरत है क्योंकि उनकी फसल खराब हो गई है। इस पर जेल प्रशासन को दया आ गई और 26 नवंबर से 26 दिसंबर 2021 तक के लिए परोल पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद उसने 2 दिसंबर को परोल बढ़ाने के लिए अर्जी दी। उसका कहना था ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता लागू है, इसलिए उसकी परोल बढ़ा दी जाए। इसके बाद उसने एक नया बहाना पेश किया। उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी है और इसलिए उसकी परोल 45 दिन के लिए बढ़ा दी जाए। इस पर उसे 30 दिन की परोल दे दी गई। कैदी यहीं पर नहीं रुका, उसने परोल बढ़वाने के लिए एक और बहाना बनाया। इस बार जेल प्रशासन का माथा ठनका। जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि कैदी की बेटी ही नहीं बल्कि उसकी भतीजी की शादी थी और वो भी 2 साल पहले हो चुकी है। उसके झूठ का भांडा फूट गया। जब पुलिस ने इस मामले की और जांच की तो पता चला कि कैदी की 2 पत्नियां हैं और ये तीनों ही हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। इससे भी रोचक बात यह कि तीनों ने एक ही कारण बताकर परोल की मांग की थी। चलते चलते एक ऐलान सुनते जाइए। चुनाव निपट गए हैं तो दी लल्लन टॉप की डॉक्यूमेंट्री टीम फिर काम पर लग गई है। हम लेकर आए हैं होला मोहल्ला। होली के अगले दिन ये त्यौहार मनाया जाता है आनंदपुर साहिब में, माने उसी जगह जहां खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। होला मोहल्ला खालसा परंपरा के गौरव को याद करने और मनाने का उत्सव है। डॉक्यूमेंट्री का टीजर हम दिखा रहे हैं। पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आइएगा 3 अप्रैल शाम 6 बजे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। पंत की स्लेजिंग से बनेगा काम या हार्दिक हिट करेंगे अहमदाबाद का नाम? किंग कोहली के किस्से, ट्रॉफी कब आएगी पंजाब के हिस्से? थला बनाएंगे चेन्नई को चैंपियन या रोहित को ट्रॉफी दिलाएंगे इंडियंस? लखनऊआ कहेंगे पहले आप या फिर से दिखेगा रॉयल्स का ताज? मचमच से निकलेगी हैदराबाद या कोलकाता होगी जिंदाबाद? IPL 2022 का पूरा हाल सबसे लल्लन टॉप स्टाइल में, टॉस से ठीक पहले और मैच के तुरंत बाद लाइव।